सो हाय हेलो नमस्ते एवरीवन, मेरे इस चैनल कामना द ड्रीमर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे सारे अब तक के गोल्ड रिंग कलेक्शन, ठीक है, जो मुझे शादी से पहले, शादी में और इवन शादी के बाद भी जो मैंने बनवाए वो सारे रिंग कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस रिंग के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो आपने झलक सभी रिंगों की देख ली होगी, ठीक है, लेकिन जैसे कि हर एक रिंग के पीछे ना एक कहानी है, कुछ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी, ठीक है। तो जो मेरी सबसे पहली और पहली नहीं बोल सकती, बट जो मेरी मोस्ट स्पेशल रिंग है वो है ये। जी हाँ, ये है मेरी सगाई की अंगूठी। इसके लिए, इसके साथ अलग भावनाएं जुड़ी हैं और ये वाकई काफ़ी खास है मेरे लिए, ठीक है। सो ये है मेरे सगाई की रिंग। और मेरी दूसरी रिंग है ये। तो ये ना दोस्तों, मुझे दिया था मेरी मम्मी ने। जी हाँ, शादी में मम्मी ने मुझे भेंट के रूप में दिया था। मम्मी कैसा है, ये अंगूठी लो बेटा, ये मतलब एक मम्मी की याद हो गई और फिर मम्मी ने मुझे दिया था, ठीक है। सो ये मेरी दूसरी अंगूठी है। सो ये भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, वो भी शादी के वक्त। तो बोल सकते हैं कि ये मुझे उनकी याद भी दिलाती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये रिंग पहनना, और ये मैं हमेशा पहन के रखती हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो में नोटिस किया होगा तो ये रिंग मेरे हाथ में रहती ही रहती है। एक ये और एक ये और एक बताती हूँ कौन सी रिंग रहती है, ठीक है। सो ये दो रिंग हो गए। मुझे सगाई में भी काफ़ी रिंग मिली थी तो मैं आपको उसकी बात बताती हूँ। तो ये देखिए, तीसरी अंगूठी मेरी ये है। मैं आपको दिखाती हूँ और अच्छे से और पास से। तो ये ना दोस्तों, मुझे छाया दीदी ने दिया था, मतलब जो मेरी ननद है उन्होंने ये मुझे सगाई में पहनाया था। तो ये मुझे छाया दीदी ने ये रिंग दी थी जो मैंने इस बार भात में पहनी थी। एक्चुअली ना दोस्तों, जब ये मुझे रिंग मिली थी 2017 में मेरा एंगेजमेंट हुआ था, तो जब ये रिंग मुझे मिली थी ना तो मेरे हाथ काफ़ी पतले थे, मैं खुद भी बहुत पतली थी, तो मुझे ना कोई रिंग फिट नहीं आती थी, मतलब जो भी सगाई में मिली थी। सो मैंने वो सब ज़्यादा नहीं पहना। अब जैसे कि चीज़ें हो गई हैं अच्छी, मेरी उंगलियाँ थोड़ी हो गई हैं, तो फिर हाँ ये अब ये सब पहनती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे से फिटिंग भी हो जाती है ये सब। तो ये छाया दीदी की दी हुई अंगूठी है, तो ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो मतलब ये मेरा, ये देखिए फोर्थ रिंग है ये। ये एक्चुअली ना, हम जो नॉर्थ इंडियन साइड के होते हैं ना, यूपी साइड, ये प्रॉपर वहाँ के लिए, मतलब वहाँ पे ऐसे डिज़ाइन काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी पहनते हैं। मुझे भी ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। तो इसके पीछे भी ना दोस्तों एक स्टोरी मैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो 2020 में ना मैं मेरे भाई की शादी में गई थी और मुझे ये रिंग इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना कि मुझे पहनना था, पर मेरे हाथ पतले थे तो मुझे हो नहीं रहा था। फिर भी मैंने इसको ये अपने इंडेक्स फिंगर में पहना, पॉइंट फिंगर में पहना, ठीक है। जब पहन लिया तो ये गिर बहुत ज़्यादा रही थी। आपको पता है ये रिंग उस शादी में, सोचिए शादी के भीड़ भड़ाके में 3 बार घूमी एंड लकीली भगवान की कृपा से मुझे ये 3 बार मिल गई। फिर चौथी बार ऐसा था कि अब मुझे फोर्थ टाइम रिस्क नहीं लेना, तो जाके मैंने इसको रख दिया। बट सोचिए आप इतनी बार घूमने, क्योंकि शादी का भीड़ भड़ाका आप भी जानते हो, अगर कोई चीज़ घूम गया तो मतलब घूम गया, मिलने वाला नहीं है। बट लकीली ये मुझे मिल गया और मैं बहुत खुश हुई थी इसको पाके। और मुझे ये ना बहुत अच्छी लगती है क्योंकि एक बार पहन लो ना दोस्तों तो हाथ में जनाता है, दिखता है वो चीज़ आके। देखो मैं आपको मेरे इस फिंगर में पहन के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा लगता है ये चीज़, है ना, ठीक है। सो ये मेरी मौसी सास ने मुझे गिफ्ट किया था एंड ये बहुत ही प्यारा रिंग है।
नंबर पे ना मेरी ये रिंग देख सकते हो आप, मैं आपको इसको और अच्छे से दिखाती हूँ, आप देख लीजिए इसको, इसकी स्टोरी ना बहुत ज्यादा रोमांचक है, देख सकते हो ये रिंग, ठीक है। तो ये रिंग मुझे शादी के वक्त मुंह दिखाई में मेरी चाची सास ने दिया था मुझे, ठीक है, बड़ी चाची सास ने दिया था। तो ये दो रिंग ना दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया जब मेरी शादी हुई तब मैं काफ़ी पतली थी, और 2018 की बात है जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे हाथों में ना मुझे जो भी रिंग्स मिले थे वो काफ़ी इतने ज़्यादा लूज हो रहे थे ना कि पहन रही थी तो गिर जा रहा था। बट जब मुझे गिफ्ट किया तो मेरा ऐसा था मैं रख रही हूँ, बट मुझे बोला गया कि नहीं, दिया गया इतने प्यार से तो एटलीस्ट इसको एक दो दिन पहनो, मतलब अच्छा लगेगा। तो दोस्तों उसी में ना क्या हुआ, ये रिंग गिर गया और मैं इतनी डर गई कि मुझे मिला हुआ रिंग, गोल्ड रिंग घूम गया, वो भी मेरे शादी के टाइम पर। मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी उदास भी थी, बट आपने मेरा व्लॉग अगर देखा होगा तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा। सोचिए 2018 की रिंग घूमी घूमी, सबका ऐसे था और सब इस चीज़ को लेके थोड़ा सैड भी हुए कि हाँ भाई रिंग घूम गया, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। बट मैं जब इस बार गई 2023 में, एग्जैक्टली 5 साल के बाद दोस्तों, तो सोचिए मुझे अगस्त में मैं गई, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा कि ये मुझे बेड के नीचे मिला। अब आप लोग ये मत समझना कि मैं बेड के नीचे झाड़ू नहीं मारती थी, एक्चुअली ना दोस्तों ये रिंग नीचे जाके अटक गई थी, ठीक है, तो कुछ नीचे गिर गया था, मेरी सोना ने कुछ चीज़ें नीचे फेंक दी, उसको निकालने के चक्कर में ना मैं कंघी से प्रेशर में मार रही थी और ये अटका था, मुझे लगा कुछ और है तो उसको मार रही थी प्रेशर से जाके, एक्चुअली ये अटक गया था उधर जाके, फंस गया था, अटक गया था बहुत तेज़ी से, इसीलिए नहीं निकला। और लकली इस बार मेरी सोना के वजह से, क्रेडिट सोना को जाता है, उसके वजह से ये रिंग मिल गया। तो मैं भाग के, मैं खुश होके पहले सबको बताया, मैंने सबसे पहले मेरी चाची जी को बताया जिन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया था, ठीक है, और फिर मम्मी को, हस्बैंड को, तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हुए कि लकीली चीज़ें घूमी नहीं थी, अच्छे से मिल गई, जिसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। सो ये देखिए, ये है मेरी प्यारी सी रिंग जो घूम गई थी और प्रॉपर 5 साल के बाद मिली। सो जी हाँ, मैं इसको भी पा के बहुत खुश हूँ, इसकी भी अपनी स्टोरी है, ये देखिए। तो ये ना दोस्तों हमारे जो यूपी साइड के होते हैं ना, ये कुछ वहाँ पे ना कुछ ऐसे डिज़ाइन, ट्रेंडी नहीं बोल सकती, ये यहाँ वहाँ का टिपिकल डिज़ाइन होते हैं ऐसे ही, ठीक है, और इसे काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, इवन मुझे भी ऐसे डिज़ाइन पसंद आते हैं। सो जी हाँ, अच्छे लगते हैं, आप अगर उंगली में पहनते हो ना तो लगता है कि हाँ भाई आपने कुछ पहना हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, मुझे भी ये सब डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। ये देखिए, तो ये है मेरा 5th रिंग, राइट। तो मेरी 6th रिंग दोस्तों ये, ठीक है, ये रिंग, ये देखिए, ठीक है। सो ना दोस्तों, एक्चुअली मेरी छोटी चाची हैं और मेरी बुआ सास है, मतलब छोटी चाची सास और मेरी जो बुआ सास है, मैं कंफ्यूज हूँ कि ये किसने दिया था, बट दोनों में से किसी एक ने दिया है। और ये मेरा 7th रिंग है, ये देखिए, ठीक है, ये मेरा 7th रिंग है। तो एक्चुअली ना दोस्तों, मैं ये दोनों रिंग के बीच में कंफ्यूज हूँ, दोनों में से चाची सास ने, छोटी चाची सास ने और बुआ सास ने, दोनों ने मुझे रिंग दिया था, और ये रिंग पक्का, ये दोनों रिंग वही है, बट किसने कौन सा दिया था मुझे ये नहीं पता, बट जी हाँ, ये दोनों जन ने मुझे यही रिंग दिया था। सो जो मैंने आपको बताया रिंग घूम गई थी, उसी के साथ ही और एक रिंग मैंने पहनी थी, बट लकीली ये नहीं घूमी थी, सो डर के वजह से मैंने ये वाला रिंग निकाल के रख दिया था, ठीक है, बट घूमी नहीं थी, सो मैं खुश थी कि ये सब मेरे रिंग मेरे पास हैं। अब मेरा जो 8th रिंग है दोस्तों,
वो है ये, देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये रिंग भी मैं बोल सकती हूँ मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि ये रिंग मुझे मेरे फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पे हस्बैंड जी ने गिफ्ट किया था। जी हाँ, देख सकते हो इसका डिज़ाइन, उनको पसंद है ये डिज़ाइन काफ़ी, उन्होंने मुझे ना ये सरप्राइज गिफ्ट किया था, जो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो ये है मेरा 8th रिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये हस्बैंड जी ने फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, जो कि गांव में सेलिब्रेट किया गया था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने ये फर्स्ट सरप्राइज दिया मुझे, उसके बाद शायद कभी नहीं दिया होगा, बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था उस वक्त। एंड लास्टली मेरा सेकेंड लास्टली मेरा 9th रिंग है ये, ठीक है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ना दोस्तों मैंने अभी हाल ही में बनवाया है, इसको मैंने इसी मार्च फैब में बनवाया था। तो एक्चुअली दोस्तों ये ना इस वक्त काफ़ी ट्रेंडी चल रहा था और मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, सो मुझे चाहिए था कि एक मैं ऐसा रिंग लूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, और मतलब मुझे प्रॉपर जो साइज़ का चाहिए था वैसे मुझे मिल गया। जब मैं पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये अंगूठी मैंने रिसेंटली बनवाई है, 8-9 महीने पहले फैब में मैंने ये रिंग बनवाई है, जो कि मुझे बेहद पसंद है। सो ये इसी उंगली में पहनने के लिए बनवाई, मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। सो ये है मेरा 9th रिंग, और मेरा 10th रिंग है। तो दोस्तों ये जो आपने रिंग देखा ना, एक्चुअली मैं ढूंढी, मुझे मिला नहीं। मेरी प्रॉब्लम ये है ना, मैं चीज़ें इतने अच्छे से रखती हूँ ना कि वो मुझे ही नहीं मिलती, मिलती है बट लेट मिलती है। तो इसकी ये स्टोरी है कि ये मुझे मेरे पापा ने 2014 में गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे एज अ मेमोरी। तो मुझे भी ये रिंग काफ़ी पसंद है, तो मुझे ना ज़्यादा ऐसे भर के रिंग पहनना पसंद नहीं, मैं मुश्किल से 3 रिंग पहनती हूँ, और ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता है। एक मेरी सगाई का रिंग, और ये मेरी मम्मी का दिया हुआ रिंग जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये मेरे हस्बैंड का फर्स्ट एनिवर्सरी पे सरप्राइज गिफ्ट, तो इसलिए मैं बहुत पसंद करती हूँ। और एक जो मेरे पापा का दिया हुआ था वो मैं पहन नहीं पाती, क्योंकि एक्चुअली 2014 का रिंग अब मुझे नहीं होता, क्योंकि मेरी उंगलियाँ मोटी हो गई हैं, इसलिए मैंने उसको बड़े प्यार से संभाल के रखा है, बट इतना संभाल के रखा है कि बस मुझे मिल नहीं रहा है। बट ठीक है, सो टोटली मेरे पास 10 रिंग कलेक्शन है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे 10 रिंग हैं, बट जैसे कि एक मिसिंग है मैंने आपको बताया, सो टोटल मेरे पास 10 रिंग है, जो कि मैंने आपको दिखाया। इस चीज़ को जज मत कीजिएगा, जस्ट बिकॉज मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मेरे गोल्ड रिंग के कलेक्शन दिखा के। दोस्तों मैंने आपको दिखाया ये जो भी मेरे गोल्ड रिंग कलेक्शंस थे, अगर आपको कुछ भी और मेरे गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शंस जाने रहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी फिर से। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, जैसे कि बहुत ही जल्द अब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ठीक है, अब और हमारी फैमिली बढ़ने वाली है दोस्तों, तो अपना ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच अगेन गाइज, सो मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना, एंड उससे भी ज़रूरी चीज़ बेल आइकन पे क्लिक करना, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए, फटाफट आके देख ले। थैंक यू सो मच।